हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 53 है और ये 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है और जो इसकी डेट है वो 4 सितंबर है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, जो आज की हमारी एक्टिविटी है वो ड्राइंग की है, तो इसको आपको हम इसको फाइल में तो नहीं कर सकते, तो ये ड्राइंग की एक्टिविटी मानी जाएगी। जैसे जैसे इसमें बताया है वैसे वैसे हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की एक्टिविटी। यहाँ पर देखो, जो हमारी आज की एक्टिविटी है उसमें क्या बताया गया, कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेशी कहलाता है। इसमें क्या होता है, लुगदी क्या होती है, जैसे लकड़ी को भी गला के उसे पेपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कागज़ों को गलाना है, जैसे जो न्यूज़पेपर हैं या नोटबुक के पेपर्स हैं जो यूज़ के नहीं हैं, आपको उनको लेना है और उसको पानी में भिगोना है। तो उसको कागज़ को गलाकर हमें क्या करना है, गलाकर मतलब जब बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाता है उसको मैश किया जा सकता है, तो उसकी एक हमें लुगदी तैयार करनी है जिससे हम क्या बनाएंगे, एक पेपर मेशी बनाएंगे। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे वे दक्षिण भारत में कथकली नृतक व नर्तकी के मुख पर पेपर मेशी से तैयार किए जाते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया कि दशहरे का त्यौहार होता है हमारा, उसमें हम रावण के और मेघनाथ के मुखौटे मतलब जो चेहरा बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, मुखौटा होता है मास्क, वह दक्षिण भारत में कथकली, जो कथकली क्या है, एक दक्षिण भारत का डांस है, उस नृतक में जो नाचने वाला होता है या नाचने वाली होती है वो क्या करते हैं, मुख पर अपने चेहरे पर पेपर मेसी से तैयार किए जाते हैं कि उनके चेहरे पर क्या एक मुखौटा तैयार किया जाता है। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियां बनाई जाती हैं। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली, हरियाणा, ये सारे क्या हैं, उत्तर वाले एरिया में आते हैं। तो इसमें क्या है, खड़िया क्या है, एक प्रकार की सफ़ेद मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसको मिलाकर कटोरदान, कटोरी जैसी शेप में और टोकरियां बनाई जाती हैं जिसमें हम सामान रख सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि कैसे हमने पेपर को गलाया है, गलाने के बाद उसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमने इसके क्या बना दिए, कटोरे बना दिए, ये क्या है, पेपर मेशी से मुखौटे बना दिए, हमने चेहरे बना दिए। तो आपको सारी जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं इनको देख के। पेपर मेशी के लिए ज़रूरी सामान, जो पेपर मेशी हम बनाते हैं उसके लिए ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं, हमें एक टब चाहिए, कागज़ चाहिए, जाली, जैसे हमारी खिड़कियों की जो जाली होती है उस टाइप की जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, गोंद बनाने के लिए नीला थोथा, एक एस्क होता है, चाकू, कैंची, मूसल, चीज़ों को कूटने के लिए होता है, उखल ऐसा होता है जिसमें चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कुंडी सोटा आपने अपने घरों में देखा होगा और जो गांव से हैं जो बच्चे उनको पता होगा उखल और मूसल क्या होते हैं। वो विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेशी के लिए ज़रूरी हैं। तो ये क्या है, हमें बहुत सारी ब्रश भी चाहिए पेपर मेशी बनाने के लिए। तो ये सारा सामान हमें किसके लिए चाहिए, पेपर मेशी के लिए चाहिए। लुगदी कैसे तैयार करें, अब देखो जो हमें लुगदी बनानी है वो कैसे बनानी है, टब में पानी भरकर, हमने टब में पानी भर लिया, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अच्छी तरह से भिगो देना चाहिए, कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसको हमें क्या करना है, भिगोना है। गौरतलब है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए, कि जो पानी है, जो कागज़ है वो डूब जाने चाहिए, पानी ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद हमें पानी को बदल देना चाहिए और एक वीक के बाद हमें क्या करना है, जो पानी हमने डाला था उसको चेंज कर देना है। 2 हफ्तों बाद कागज़ के टुकड़ों को टब से निकाल कर देखना चाहिए और जब 2 वीक हो जाते हैं, जब हमने उसको भिगोया है उसके 2 वीक के बाद आपको क्या करना है, जो कागज़ के टुकड़े हों उनको टब से निकाल कर देखना है। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा, यदि हम पेपर को जब खींच के देखते हैं यदि उसका जो रेशा होता है वो छोटा निकलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि कागज़ जो है वो लुगदी के लिए तैयार हो गया है, उसकी लुगदी बनाने के लिए वो तैयार है। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए, उखल कुंडी की तरह होता है और उस लुगदी को हमें उसमें डाल के और कूटना चाहिए। नीला थोथा क्या है, एक अयस्क है, वह गोंद मिलाकर उसे तैयार कर लेना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमें क्या करना है, गोंद तैयार करना है। अब है बनाने की विधि, उसको कैसे बनाया जाता है,
जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखें। जो चीज़ भी हमें बनाएं, किसी का मुखौटा मास्क बनाना है या कोई हमें कटोरी बनानी है या कोई टोकरी बनानी है, तो उसको हमें अपने सामने रखना है। वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। जितनी जो चीज़ हमें बनानी है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें हमें देखनी है और उसके अकॉर्डिंग उसके हमें आकृति मतलब उसकी शेप बनानी है। अभ्यास करते करते आप उसकी अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करते करते प्रैक्टिस करते करते उसकी अच्छी आकृति आप बनाना सीख लेंगे। एक दो बार होगा कि आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब आप बार बार प्रयास करेंगे, बार बार बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम एक अच्छी आकृति बना लेंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए और जब हम वो मॉडल बनाते हैं, जो भी चीज़ हमें बनानी है सेम वैसी चीज़ जब बना रहे हैं, तो जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, उसके बीच में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए कि उसके अंदर हवा पास ना हो पाए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए और जो वो चीज़ हमने तैयार की है उसको हमें कहाँ सुखाना है, छायादार स्थान पर सुखाना है। सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए और जब वो सूख जाती है, हमें गीली को ही धूप में नहीं रखना है, उसको सुखाने के बाद उसको धूप में रखना है। तो चलिए पेपर मेशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। ये आपको पता चल गया कि पेपर मेशी कैसे बनानी है, गोंद कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों का पता चल गया। अब आपको ये दो एक्टिविटी हैं वो खुद करके देखनी है, आपने पेपर मेशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। अब आपका ये खुद का होमवर्क है, आप पहले बना के देखोगे और जब आपने जो बनाया है वो क्या बनाया है और कैसे बनाया है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, आंसर लिखना है अपना। क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है, तो कैसे, तो यहाँ पर यदि वो हम जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, नेचुरल होती हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं। तो जैसे कलर्स के बारे में कल बात थी कि हमें नेचुरल कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल कलर्स का यूज़ हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए, केमिकल वालों का नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो यहाँ पर जो आपने पेपर मेसी बनाई वो क्या पर्यावरण के लिए अनुकूल है, हाँ वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसमें हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको, ये दोनों एक्टिविटी आपको अपनी आंसर की जो ड्राइंग की नोटबुक है उसमें लिखनी है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।